नमस्कार। रोमांसवाद की चर्चा के दौरान अपने रोमांसवाद के बारे में भी पढ़ा, समझा, और उसके जो प्रमुख चित्रकार थे थियोडोर जेरिको, ओजेन देलाक्रा और आपके अंग्र, इसके बाद में अगला चित्रकार है फ्रांसिस्को गोया। फ्रांसिस्को गोया एक ऐसा प्रतिभा संपन्न चित्रकार है जिसके बारे में यह कहा जाता है कि इनके चित्रों में उन वादों का भी बीज रूप दिखाई पड़ने लगा था जो फ्रांसिस्को गोया के बहुत बाद प्रादुर्भाव या उनका उद्भव हुआ, जिनमें अभिव्यंजनावाद, प्रभाववाद, यथार्थवाद, अति यथार्थवाद, यानी आधुनिक कला के वो सभी भाव जो बाद के काल में आने वाले थे, उनका बीज रूप फ्रांसिस्को गोया के चित्रों में दिखाई पड़ने लग गया था। फ्रांसिस्को गोया का जन्म 1746 में स्पेन के अरगोंटा प्रांत के फेवेंडोटोस गांव में हुआ था और उनके पिता एक कृषक थे, खेतीबाड़ी करते थे और यह भी अपनी बाल्यावस्था में खेती का कार्य अपने पिता और परिवार के साथ किया करते थे। लेकिन बाल सुलभ चित्रकला के प्रति इनकी रुचि जो थी, उस रुचि से प्रभावित होकर वो उस समय में भी लकड़ी के जले टुकड़ों यानी कोयले को लेकर पत्थरों और चट्टानों पर चित्र कर दिया करते थे। जब गांव वालों ने यह देखा कि इसकी चित्रकला के प्रति काफ़ी रुचि है और काम भी अच्छा कर रहा है, तो इन्होंने अपने गांव के एक गिरजाघर का जो पट होता है, उस गिरजाघर के पट पर चित्रण का कार्य इनको दिया और वह चित्रण का कार्य भी इन्होंने अच्छा बखूबी किया। और जब गांव के लोगों ने इसकी प्रतिभा को देखा तो गांव के ही एक सज्जन ने इनको स्कॉलरशिप पे अपने खर्चे पर कला के विशेष अध्ययन के लिए इनको सारागोसा, एक शहर का नाम है, सारागोसा भेजा और ये 14 साल की उम्र में सारागोसा चले गए और वहाँ जाकर वो अपना कला अध्ययन का कार्य करने लगे। लेकिन शुरू से ही बहुत ही एक अलग प्रकार की उनकी जीवन शैली थी, सोच थी, जिसको लेकर वो अपने जीवन को भी उसी रूप से लेके चलते थे। यानी दिन में तो वो वहाँ पर कला अध्ययन का कार्य करते और रात को नृत्य, नशा और यहाँ तक कि उन्होंने एक टोली भी बना रखी थी, जो लड़ाई झगड़े उनके जो होते थे उनके वो नेता भी रहे, मतलब टोली लीडर भी रहे। तो ये उनकी जीवन शैली थी, यानी वो जीवन के प्रति उनका जो नज़रिया था वो बहुत ही उच्छृंखल था और यही कारण था कि उनकी कला में भी स्वच्छंदतावाद ज़्यादा दिखाई पड़ता है। जिस परिप्रेक्ष्य में वो जी रहे थे वहाँ आम जनता में और राजसत्ता में बहुत फर्क था। स्पेन के अंदर जो राजा थे और उनके जो दरबारी थे, उनका जो गठजोड़ था वो प्रजा के लिए कुछ अच्छा नहीं था। राजा बहुत अहंकारी और कठोर थे और दरबार के अंदर चापलूस दरबारियों की भरमार थी, तो जनता बड़ी बेहाल और पीड़ा की स्थिति में चल रही थी। तो इनके प्रति उन लोगों का जो पीड़ा थी, दर्द थी, उसको उन्होंने बहुत ही संजीदगी से उसको महसूस किया और यही उनके जीवन में एक आक्रोश का भाव भी लेके पैदा हुआ और चित्रों में भी ये दिखाई पड़ता है। अब चूंकि जो गरीब होता है वो सपने यथार्थ रूप में अपने पूरे नहीं कर सकता है तो वो कल्पना करता है, तो इनकी कल्पनाशीलता इतनी बहुत ही उद्भट थी, मतलब यूँ समझे कि इतनी अद्भुत थी कि चित्रों में कल्पना का एक संसार उन्होंने खड़ा कर दिया। ये एक ऐसे चित्रकार थे जिन्होंने जो अभिजात्य वर्ग था
जो राजा या राजकीय दरबार से जुड़े हुए थे या धनिक वर्ग थे या अधिकारी वर्ग थे उनके प्रति इनके मन में उपहास घृणा और वितृष्णा के भाव थे और वो अपने चित्रों में दिखाते थे। ऐसा नहीं है कि वो अपने चित्रों में इसको अभिव्यक्त करने का प्रयास नहीं करते, वो अपने चित्रों में दिखाते थे। बहुत निडर चित्रकार थे। जब इनको स्पेन का मुख्य जो कला संस्था थी इनका जब मुख्य चित्रकार नियुक्त किया गया तब भी इन्होंने जो राजकीय चित्र बनाए उन चित्रों के अंदर वैसे ही चेहरे के ऊपर अहंकार का भाव और वितृष्णा का भाव और उनको उपहास की दृष्टि दिखाते हुए उनके चेहरे पर मूर्खता और यह मजाकिया रूप में भी उनको चित्रित किया। कभी डरे नहीं, राजसत्ताएँ बदली लेकिन ये बने रहे अपने चित्रकार पद पर। क्यों? क्योंकि इनके चित्र की इतनी प्रसिद्धि थी। हालांकि ये चित्र इस प्रकार इन्होंने राजदरबार में बनाए और चार्ल्स तृतीय के मृत्यु के पश्चात इनको शासकीय चित्रकार भी नियुक्त कर दिया गया था, लेकिन ये कभी भी शासन पद्धति से या उससे कभी दबे नहीं, घबराए नहीं और चित्रों के अंदर अपने भावों को, अपनी कल्पनाओं को, जो जनता के प्रति उनकी अभिजात्य वर्ग या अधिकारियों की जो निर्दयता थी उनको बखूबी चित्रों में उतारते रहे। और उसका ये एक बड़ा फायदा ये हुआ कि उनके चित्रों के प्रति लोगों में आकर्षण बहुत हुआ और यहाँ तक कि चित्र बनाने का होड़ से मची हुई थी अभिजात्य वर्ग में कि हम गोया से अपना चित्र का चित्र बनवाएं, व्यक्ति चित्र बनवाएं, पोर्ट्रेट बनाएं, ऐसा कुछ। तो ये जो चित्रकार थे इन्होंने न केवल ऑयल पेंटिंग में काम किया अपितु एक्वाटिंट में भी बहुत काम किया। जब ये स्वर्गासा के अंदर पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद में वो स्वर्गासा में रहते रहने के बाद कुछ समय काम करने के बाद वहाँ भी वो क्या है स्पेन के जो सामान्य जन जीवन जो चित्र थे उस चित्रों को सस्ती दर पर बनाते और बेचते और अपना गुजारा करते। और उसके बाद में ये वहाँ से पार्मा चले गए। पार्मा में इनको एक कला पुरस्कार भी मिला तो उससे और ये चर्चित हो गए, फेमस हो गए। और बाद में ये घूमते घूमते वहाँ पार्मा गए, पार्मा से ये वापस अपनी जगह आ गए, स्पेन आ गए अर्गोन का प्रांत। और यहाँ रहकर ये एक शासकीय जो शाला थी जिसमें कर्टेन बनते थे, वॉल कर्टेन बनते थे, पर्दे, दीवार पर्दे जिसको कहते हैं वो बनते थे, उस कार्यशाला में वो नौकरी करने लगे। और नौकरी उस वक्त जो पर्दे वहाँ बनते थे उन पर्दों पे रुबेंस की कला का बहुत प्रभाव था। रुबेंस की जैसे रेखाएं, गठित सुगठित रेखाएं, सुगठित आकार, सुगठित रचना और सौंदर्यात्मक आकार का परिमाप और लाइनिंग का इफेक्ट, चूँकि पर्दों में ज़्यादा रहता है, डेकोरेटिव पार्ट रहता है, तो वो रुबेंस के लाइनिंग को भी काफ़ी महत्वपूर्ण मिलता है। इन्होंने उसमें परिवर्तन कर दिया। अब इन्होंने रुबेंस की जो परंपरागत पर्दे, दीवार पर्दे बनाने की जो स्टाइल थी उन दीवार पर्दों की पुराने पैटर्न में इसमें उन्होंने परिवर्तन किया। और परिवर्तन क्या किया, परिवर्तन ये किया कि वहाँ जो चित्र बनते थे उन चित्रों के अंदर उन्होंने शारीरिक सघनता अपनी दृष्टि से वो उसमें समाहित करने लगे। वो जैसा यथार्थ परक चित्रण जैसे होते हैं ना, तो गहरे और भूरे रंग से उनको शरीर की गठनशीलता वो अपनी दृष्टि से उसमें बनाने लगे। और ठोस आकार, जो ठोस आकारों को मतलब कहने का तात्पर्य है कि उनके जो ठोस आकार थे उनको वो गहरे और भूरे रंगों के अंदर अंकित कर दीवार पर्दों को अलंकृत करते थे। जबकि पहले जो उनके विषय हुआ करते थे उसमें देवताओं और अप्सराओं और इस प्रकार के विषय होते थे, उनकी जगह उन्होंने स्पेन के सामान्य जनजीवन के सामान्य व्यक्ति को उसमें विषय के तौर में भी स्वीकार करना आरम्भ किया।
और इस समय से उनकी क्या है, एक व्यक्तिगत शैली का भी निर्माण हो गया। अब वो ऐसा नहीं है कि खाली पर्दे ही बनाते थे, वहाँ उन्होंने गिरजाघर के भित्ति चित्र और दीवारों पर भी काफ़ी चित्र बनाए, और जो उनके पास में कमीशन वर्क आता था, जो लोग उनको काम देते थे, उनके भी उन्होंने चित्र बनाए। इन्होंने एक चित्र बनाया था जिसमें व्यक्ति चित्र है, जो वहाँ ओलबा की बेगम, जिसको ओलबा की बेगम करके एक महिला का, इन्होंने एक नहीं दो व्यक्ति चित्र बनाए उसी के। एक तो कपड़ों सहित बनाया और एक कपड़ों के बिना बनाया, एक विवस्त्र और एक वस्त्र सहित दो उन्होंने चित्र बनाए। और उन चित्रों के अंदर स्त्री की जो नैसर्गिक शारीरिक सौंदर्य था उसको बखूबी उन्होंने चित्रित किया, शरीर की कोमलता, उसके आकर्षण को उन्होंने उसमें आकृत किया। वो बहुत उनका श्रेष्ठ चित्रों में उनकी गिनती की जाती है। और गोया न केवल तेल चित्रण में मशहूर थे, यानी कि न केवल ऑयल पेंटिंग करते थे, बाकी ग्राफिक्स के अंदर भी उन्होंने बहुत काम किया। उन्होंने एक्वाटेंट पद्धति से चित्र बनाए, जिसमें उनका एक तो सीरीज बने चांचल्य करके, उसमें आर्ट सीरीज है, उसमें कई एक्वाटेंट चित्र हैं, प्रिंट्स हैं। और दूसरा उन्होंने क्या कहते हैं उसको, एक चित्र और एक्वाटेंट बनाया, उसमें युद्ध की भयानकता। उस वक्त क्या है कि फ्रांस के और स्पेन के बीच में युद्ध हुआ, तो उसमें काफ़ी जनता के ऊपर काफ़ी अत्याचार हुआ, उनको प्रताड़ित किया गया, उनके साथ हत्याएं हुई, बलात्कार जैसे भी किस्से हुए, तो उन सब चीज़ों को से जो पीड़ा उनके मन में थी, जो युद्ध की जो भयानकता थी, उस भयानकता को भी उन्होंने अपने चित्रों में दिखाया। और ये चित्र भी इनका एक्वाटेंट पद्धति में ही बनाया हुआ है। और एक दूसरा और है युद्ध के दुष्परिणाम, ये इन्होंने ऑयल पेंटिंग में बनाया, जिसमें युद्ध के बाद में क्या विभीषिकाएँ सामाजिक जीवन में उभर कर आ गई, उनको उन्होंने चित्रित किया। और युद्ध के परिणाम में इनके दो चित्र हैं जिसमें इन्होंने टाइटल डाला हुआ है, जैसे महीने का तारक, डेट क्या तारक, 2 मई एक चित्र है, एक 3 मई ये चित्र है। ये है तो ऑयल पेंटिंग बने हुए, लेकिन काफ़ी प्रसिद्ध हुए। और उसका कारण था कि ये जो चित्र इन्होंने बनाए, इसका संयोजन जो था, न केवल संयोजन बका उसका जो लाइन ड्राइंग थी वो भी बहुत अच्छी थी, और प्रसंग के अनुसार उन्होंने रंग योजना का प्रयोग लिया, रंग चयन किया, और जो ब्रश स्ट्रोक्स थे वो भी बहुत फोर्सफुल थे। इसलिए इनकी ये जो युद्ध के दुष्परिणाम है, ये दोनों चित्रकृतियाँ काफ़ी प्रसिद्ध और फेमस भी हुई। और इन चित्रों के अंदर इन्होंने, जैसे कि इनकी शुरू से एक सोच और दृष्टिकोण था, इसने उसको इन्होंने इंगित किया, जिसमें आलोचनात्मक और उसकी निंदा करते हुए और उपहास मजाक उड़ाते हुए ऐसे भावों को अभिव्यक्त करते हुए पात्रों का जो पोस्चर था, जो मुद्राएं थी और चेहरे की जो मुद्राएं थी, उन्होंने उस ढंग से इनको प्रस्तुत किया। इनके चित्रों में एक विशेष बात यह भी थी कि इनके जो चित्र थे उनकी अभिव्यक्ति, उसकी जो लाइनिंग थी वो बहुत ही चंचल थी, मतलब उसमें बहुत ही एक चंचलता हुआ करती थी और संपूर्ण स्पष्टता भी नज़र आती थी, और अभिव्यक्ति बहुत सुंदर और बढ़िया बनाते थे, बढ़िया ढंग से किया करते थे। और दूसरा क्या है कि गहरे और हल्के जो वो उनके होते थे पोस्चर होते थे पेंटिंग्स में, उसको दिखाने के लिए वो हारमोनियस या यथार्थपरकता नहीं दिखाते थे, उसमें एक नाटकीय ढंग से उसको दोनों पक्षों को दिखाने की कोशिश करते। जैसे ग्रीक थिएटर के अंदर आपने देखा होगा, अगर मान लो आपने अरस्तु पढ़ा हो, और अरस्तु की जो
काफ़ी कुछ लिखा है ग्रीक थिएटर के बारे में, ग्रीक थिएटर के जैसे ट्रेजेडी और कॉमेडी दो विधाएँ थी, अभी उस पर अलग बात कर लेंगे। लेकिन जो ग्रीक थिएटर के अंदर एक स्पॉटलाइट पड़ती है कि एक दृश्य को बहुत ढंग से जहाँ मुख्य पात्र होते हैं या अभिनय कर रहे होते हैं उस स्थान को बहुत अच्छी स्पॉटलाइट के द्वारा बहुत उजली फॉर्म में दिखाया जाता है और बाकी दृश्य पीछे का एकदम अचानक डार्क हो जाता है। ये एक नाटकीय ढंग था दृश्य, क्या कहते हैं उसको, गहरी और हल्की जो चित्र तल था उसको विभक्त करने का, उसको बड़े नाटकीय ढंग से इन्होंने अपने चित्रों में बनाया और काफ़ी लंबे समय तक ये अपने राजदरबार के ऊपर चित्रकार के रूप में रहे और अनेकों कला संस्थाओं के द्वारा आयोजित कार्यक्रमों का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया और सत्ताएं जैसे बदल भी गई लेकिन ये हमेशा दरबारी चित्रकार रहे। बाद में ये अपने दरबारी चित्रकारिता से ऊब कर सेविल चले गए, वहाँ जाकर उन्होंने गिरजाघर के अंदर भित्ति चित्र निर्माण का कार्य किया और अन्य कई चित्र बनाए और अंत में मैड्रिड में इन्होंने एक अपना मकान था, उस मकान में आकर रहने लगे और उस मकान की दीवारों को चित्रित किया। अब वो जो दीवारों का जो चित्रण था उसके अंतिम समय के काल के समय का, उन चित्रों के अंदर अति यथार्थवाद की छाया बहुत गहराई से और स्पष्ट होती है। वहाँ उन्होंने दो चित्र बनाए, एक पुत्र दक्ष शनि और जादूगरियों का व्रत चित्र जो पूर्ण रूप से अति यथार्थवाद के रूप में माने जा सकते हैं और न केवल अति यथार्थवाद, उनके चित्रों के अंदर जैसा कि मैंने आरंभ में बताया कि बाद के प्रवृत्ति काल में आने वाले सभी ऐसे वाद प्रमुख वाद जिनके बीज रूप उसमें दिखाई देने लग गए थे, जहाँ वे कल्पना शक्ति के अंदर अति यथार्थवाद का भी अध्ययन करते थे और पात्र चित्रण में बड़ी यथार्थवादी दृष्टिकोण भी उन्होंने अपनाई और जहाँ तक तुलिका संचालन का जो उनका विशेषता थी वहाँ उनके चित्रों के अंदर प्रभाववादी की भी प्रभाववाद की भी झलक आपको दिखाई पड़ती है। तो कुल मिलाकर यह कहा जाए कि जो फ्रांसिस्को गोया थे वो अपने आप में बहु प्रतिभावादी चित्रकार थे और चूंकि उनकी जो चित्र शैली थी वो रोमांसवाद में इसलिए अंगीकार की स्वीकार की जाती है कि उनके चित्रों की जो विषय वस्तु थी और उसमें जो हास प्रयास और व्यंग को उन्होंने दिखाया और सामाजिक जीवन को लेते हुए उनकी जो पीड़ा और दुख को उन्होंने अपने चित्रों में अभिव्यक्त किया, ये निश्चित रूप से रोमांसवाद का तो पक्ष है ही। लेकिन फ्रांसिस्को गोया के काफ़ी लंबे समय बाद में जो 19वीं शताब्दी में जो वाद उभर कर आए जिसके अंदर अति यथार्थवाद है या मान लो अभिव्यंजनावाद है, इन वादों की भी अगर आप बीज रूप अगर देखें तो इनके चित्रों में दिखाई पड़ता है। तो फ्रांसिस्को गोया भी रोमांसवाद के अंदर एक बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, चित्रकार हैं और उनकी चित्रकला किसी नियम में बंधी हुई नहीं है। हालांकि ऐसे चित्रकार थे जिनकी खुद की जीवन शैली बड़ी स्वच्छंद थी और अपने चित्रों में भी ऐसे ही विषयों को और ऐसी ही तकनीक को लेकर वो अपना कार्य करते थे। वे किसी भी ऐसा कहें तो रोमांसवाद की भी जो निर्धारित पैटर्न था, शैली थी चित्र बनाने का और रेखांकन का, उनको भी उन्होंने क्रमवार उसे फॉलो नहीं किया, उसका अनुसरण नहीं किया, अपनी ही एक शैली के अंदर अपने चित्रों को उन्होंने अभिव्यक्त किया, अपने विषयों को अभिव्यक्त किया और चूंकि उनके चित्रों के विषय, उनके चित्रण की तरीका और उनके रंग संगति, हालांकि रोमांसवाद के अनुसार देखें तो इससे जो पूर्ववर्ती चित्रकार थे जैसे देलाकरा थे या जेरिको थे उनके समान नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी जो अगर उसकी समालोचना की जाए, उसको उसकी समीक्षा की जाए तो वो रोमांसवादी चित्रकार के रूप में ही कला इतिहास के अंदर उनको उपमा दी गई है। तो ये थे फ्रांसिस्को गोया जिसके बारे में आज अपन ने चर्चा की और फ्रांसिस्को गोया आपकी पुस्तक में भी है, आप उसको और भी बेहतर ढंग से समझ सकते हैं।
आगे रोमांसवाद के बारे में, अगले चित्रकार के बारे में बात करते हुए अपन एल ग्रेको के बारे में भी बात करेंगे आज।